तो वही विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, लग सकता है पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल सतना निगम के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये तो तय है। सतना के कई नेता भी कांग्रेस छोड़ेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले ये एक और झटका कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो एक और कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, लेकिन यहां सीईसी की बैठक की खबर है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी अपनी एक और सूची जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर। एमपी छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। मध्य प्रदेश के 18 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ के 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी बाकी है। बहुत जल्द कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो जाएगी और कहा जा रहा है कि जो बची हुई सीटें हैं वहां पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया गया है, जो इंतजार अब खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द कांग्रेस इसकी घोषणा कर देगी। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ का दौरा है और वो भी 2 दिवसीय दौरे पर सचिन पायलट आएंगे। दरअसल रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी है, जांजगीर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है, लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। सचिन पायलट जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ राज्य की और बतौर प्रभारी वे इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं और आज उनका रायपुर दौरा है। और बात बैतूल की, जहां पर गैस रिफिलिंग के दौरान एक कार में आग लग गई।